आज हम चार अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम बनाने वाले हैं, जो है स्ट्रॉबेरी, चिक्कू, मैंगो और पिस्ता। आप इनको इजीली बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हो और घर के सभी लोगों को भी बहुत पसंद आती है। तो चलो आज हम अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भाग्यश्री, आपका माय किचन फूड में स्वागत है। अभी तक आपने माय किचन फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए नए रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम यहाँ पे 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज यूज करेंगे और ऊपर का जो लीव्स है उसको हटाएंगे अच्छे से धोकर, उसके ऊपर का पानी टिश्यू पेपर से हटाएंगे। स्ट्रॉबेरीज, हाफ कप शुगर और पिंक कलर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पिंक कलर यहाँ पे ऑप्शनल है। हम यहाँ पर डबल क्रीम यूज करने वाले हैं। आइसक्रीम बनाते वक्त पानी का यूज बिल्कुल भी ना करें। जो भी बर्तन लेंगे सभी ड्राई होने चाहिए। हम स्ट्रॉबेरीज को कट करके फिर मिक्सर जार में डालेंगे। फिर मिक्सर जार में हम स्ट्रॉबेरीज लेंगे, हाफ कप शुगर पाउडर और अच्छे से उसको एक दो मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड होने के बाद हम इसको बॉल में निकालेंगे। इसी तरह से हम मैंगो का भी पल्प निकालेंगे और उसको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे रेडीमेड मैंगो पल्प यूज़ किया है। आप फ्रेश मैंगो का इस तरह से पल्प निकालें। हम यहाँ पे हाफ कप मैंगो पल्प लेंगे, हाफ कप शुगर पाउडर और इनको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड होके हमारा मैंगो का पल्प रेडी है। इसी तरह से हम चीकू के ऊपर की स्किन निकालेंगे। और उसको अच्छे से चॉप करके हाफ कप शुगर पाउडर फिर मिक्सर जार में लेकर उसमें हाफ कप शुगर डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड होने के बाद हम इसको एक बाउल में लेंगे। हम पिस्ता आइसक्रीम के लिए हम पिस्ताज लेंगे और उसमें शुगर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप एक या आधे घंटे के लिए पिस्ताज को दूध में भिगोकर भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा उसका क्रश रहता है तो उसको छानकर हम इसमें डालेंगे। अब हमारे सारे पल्प बनकर रेडी हैं। अब हम डबल क्रीम लेंगे। आप यहाँ पर घर की मलाई भी जमा करके यूज कर सकते हैं। डबल क्रीम को हम मिक्सिंग बाउल में लेंगे। और उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से बीट करेंगे। दो तीन मिनट तक अच्छे से बीट करना है। इस तरह से बीट होने के बाद हमारी डबल क्रीम इस तरह से होगी। अब अच्छे से बीट हो गई है तो अब हम सभी पल्प में हम डिवाइड करके डबल क्रीम डालेंगे। हम स्ट्रॉबेरीज में डबल क्रीम डालेंगे।
क्रीम को स्ट्रॉबेरी पल्प में स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है और क्रीमी होने तक उसको ब्लेंड करना है। फिर ब्लेंडर की मदद से उसको बीट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कलर आने के लिए हम थोड़ा सा पिंक कलर डालेंगे। पिंक कलर यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा कलर आता है, इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। नेचुरल फूड कलर है, इसलिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और अच्छे से बीट होने के बाद हम एक कंटेनर में लेंगे, यहाँ पे सारा डालकर थोड़ा सा टैप करेंगे, जो अंदर बबल बन गए हैं वो निकल जाने चाहिए। निकलने के बाद हम क्लीनिंग फिल्म से उसको कवर करेंगे। क्लीनिंग फिल्म लगाने से उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और अच्छे से ढक्कन से बंद कर लेंगे और फ्रीजर में रखेंगे। इसी तरह से चिक्कू के भी आइसक्रीम बना लेंगे। चिक्कू पल्प में डबल क्रीम लेंगे और अच्छे से स्पून से मिक्स करके फिर उसको ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद हम कंटेनर में डाल के क्लीनिंग फिल्म से बंद करके फिर ढक्कन लगाकर फ्रीजर में रखेंगे। अब हम मैंगो पल्प में डबल क्रीम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद हम ब्लेंडर से उसको बीट करेंगे। 2-3 मिनट तक हमें अच्छे से बीट करना है। बीट करेंगे तो उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। बीट होने के बाद हम इसको कंटेनर में डालेंगे और क्लीनिंग फिल्म से क्लोज करेंगे और फिर ढक्कन लगा के उसको फ्रीजर में रखेंगे। पिस्ता पल्प डालकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे और हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं। कलर आने के लिए थोड़ा सा कलर डालेंगे और उसको भी अच्छे से ब्लेंड करके कंटेनर में डाल के हम फ्रीज़र में रखेंगे। इसी तरह से हम 4 फ्लेवर वाले आइसक्रीम बना लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आइसक्रीम बना लिए हैं। इसी तरह से आप घर पर आइसक्रीम बना सकते हैं। आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं तो आप मिक्सर में भी इसी तरह से आइसक्रीम बना सकते हो। अब हम सारे कंटेनर को फ्रीजर में रखेंगे। हमें ये सारे कंटेनर को 7 से 8 घंटों तक फ्रीज करना है। 8 घंटे बाद हम फिर आइसक्रीम देखेंगे। 8 घंटे हुए हैं, हमने सारे कंटेनर को बाहर निकाला। ढक्कन निकाल कर उसकी क्लीनिंग फिल्म हटाएंगे। और हमने इस तरह के वेफल के कोन लाए हैं, बच्चों को ये पसंद होते हैं। और हमारे पास इस तरह का आइसक्रीम स्कूप है, तो यहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे। आप चम्मच की मदद से भी आइसक्रीम निकाल सकते हैं। हम स्कूप की मदद से आइसक्रीम निकालेंगे। कोन में हम आइसक्रीम स्कूप से आइसक्रीम रखेंगे और ऊपर से स्ट्रॉबेरी का पीस
रखकर उसको डेकोरेट करेंगे, नहीं तो आप चॉकलेट सिरप से भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम आइसक्रीम कप में भी आइसक्रीम डालेंगे और उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के आइसक्रीम सर्व करेंगे। इसी इजी और सिंपल तरीके से आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आइसक्रीम बना ली है। घर में सबके पसंद के आइसक्रीम बनकर रेडी हैं। आप भी इनको घर पर बनाइए। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी 4 फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनकर रेडी है।